आज हम लोग देखते हैं शांति कमेटी की बैठक किया जा रहा है और हमारे यहाँ पर आयुषी हमारी ममता मैडम ने इसका ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पर सब कोई पहुँच चुके हैं, आसपास के सारे लोग पहुँचे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हर कोई चाहता है कि यहाँ पर शांति की जाए। आइए देखते हैं कितने यहाँ पर सौ संख्या में संबलपुर शहर के माने जाने खतराजपुर के लोग पहुँच चुके हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। बोलिए अनीता मैडम, आज जो शांति कमेटी में रैली में आ रही हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। अनीता बाग हूँ और इस कमेटी जो प्रशासन ने जो बुलाया है, ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है और हम सब एक हैं भारतवासी। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आप बताइए थोड़ा शॉर्टकट में। मैं सुनील कुमार डिविजनल कोटा सभी करूँ संबलपुर। ये आज का जो शांति माहौल के लिए जो बनाया गया, प्रशासन के द्वारा जो सभा बनाई गई है, हम सब एक ही इंसानियत के नाते हमें सबका कर्तव्य बनता है कि हम आपस से मिलजुल कर रहे हैं और सबका काम अपना। चलिए बहुत सर, आप बताएंगे सर, आप आज जो शांति कमेटी में आप आए हैं, आपका पूरा नाम बताएंगे। मैं शाह आलम, बड़ा बाजार। शांति कमेटी जो प्रशासन के तरफ से रखा गया है, ये बहुत अच्छा कदम है शांति श्रृंखला को बजाय रखने के लिए। चलिए सर, बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ चलिए बहुत अच्छा। सामने कमल हो, कमल पंसारी जी, बहुत भी बड़े समाज से भी हर काम में आगे रहते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे कुछ भी हो, हर समय में आगे बढ़ते हैं। कमल हो, जो शांति कमेटी किया जा रहा है इसके बारे में, आप जो रैली निकाले लोगों को मैसेज, इसके बारे में बताइए। अपना यही मानना है, पहले तो संबलपुर ऑलरेडी इतना शांत है, इतने सालों से तो इसके ये सिचुएशन आनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आई भी है तो ये लगता है मेरे को कि भाई ये आखिरी किल है, जिसके बाद में हमको कहीं पे भी कुछ किसी से डिस्कस करने का दरकार नहीं पड़ेगा। हम वैसे भी इस एरिया में हम बहुत शांत हैं, साथ में हैं, भाईचारा से हैं और इस कदम का हम पूर्ण सहयोग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग चीज मार्क करते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी होता है, लेकिन बड़ा बाजार इलाका, खतराजपुर इलाका पूरा शांति रहता है, सब भाईचारा मिला के रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ प्रेमी रहते हैं। आइए और कुछ लोगों से मिलेंगे यहाँ पर। चलिए मधु, आप एक समाज से भी बहुत बड़े, आज जो सर शांति कमेटी की रैली भी निकल रही है और सारे पुलिस ऑफिसर हैं, इसके बारे में बताएंगे। यहाँ कोई दरकार नहीं थी शांति कमेटी की बैठक करने की, क्योंकि पूरे विश्व में भारत सबसे शांति प्रिय देश है। भारत में सबसे शांति प्रिय देश है उड़ीसा, और उड़ीसा में सबसे शांति प्रिय शहर है संबलपुर, और संबलपुर में सबसे शांति प्रिय इलाका है खतराजपुर थाना। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अजी आपने मधु बाबू सुना, वो कहते हैं सबसे शांति जगह है खतराजपुर। खतराजपुर एक ऐसी जगह है, बड़ा बाजार, खतराजपुर, सब भाईचारा और प्यार से रहते हैं। और सर आपका नाम बताएंगे, जो आज कमेटी में आप भी शामिल हुए, इसके बारे में बताएंगे। आप क्या चाहते हैं कमेटी में, जो अभी शांति में है रैली में, इसके बारे में? सब एक साथ मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें, कोई तनाव ना हो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमीन खान है और मैं भी बड़ा बाजार से रहता हूँ। और ये जो अभी शांति का एक प्रयास किए हैं, मतलब इस तरह का बहुत अच्छा ये प्रयास है। ठीक है, हाँ रो मिनटे। ये ऐसे भी देखिए, बड़ा बाजार में जो है बहुत ही प्यार मोहब्बत से सभी लोग रहते हैं, सभी जात धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और बरसों से रहते आए। जैसे कि आप जानते हैं, संबलपुर का सबसे पुराना जो जगह है, ये संबलपुर बड़ा बाजार ही है। और जो कुछ भी हुआ, ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आओ धीरे धीरे, बोला उन्हें कह रहा है ये ना कि ना उठने का।